तुम अपने गांव के आसपास पास जगह होंगी जहां तुम जाते होगे, कौन कौन सी जगह ऐसी हैं? हम अपने गांव में विद्यालय, बाजार, स्वास्थ्य केंद्र और पंचायत घर आदि जगहों पर जाते हैं। अब वहां जाने के लिए पहले देखो कि जब हम कहीं से चलते हैं तो ऊपर की दिशा को हम उत्तर से, नीचे दक्षिण, दाहिने तरफ पूरब और बाई ओर की दिशा को हम पश्चिम से दिखलाते हैं। तो गांव से विद्यालय जाने के लिए तुम्हें कैसे जाना होगा मधुर? गांव से विद्यालय जाने के लिए हमें पहले पूरब फिर उत्तर जाना होगा। ठीक। बाजार के लिए? बाजार हमारे घर से 500 मीटर दूर है। वहां जाने के लिए पहले हमें 200 मीटर पश्चिम और फिर 300 मीटर पूरब जाना होगा। ठीक। स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए पहले किधर जाओगी? पूरब। पहले हम पूरब जाएंगे, उसके बाद दक्षिण। दक्षिण। और पंचायत घर के लिए? पंचायत घर हमारे घर से 400 मीटर दूर है। वहां जाने के लिए हमें पहले 200 मीटर पश्चिम और फिर 200 मीटर दक्षिण जाना। ठीक। इस चीज को हम कागज पर लेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। लेखा चित्र में प्रदर्शित करने के लिए पहले हमें अक्षों का ज्ञान होना चाहिए। अक्ष का मतलब होता है कि कागज पर हम दो रेखाएं खींचते हैं, एक सीधी जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा। इसको राक्ष कहते हैं, इसको याक्ष कहते हैं। राक्ष को रा डैश से, याक्ष को या डैश या से प्रदर्शित करते हैं। दोनों के बीच में जो कोण होता है वो समकोण होता है। इसके पहले तुमने बताया कि जब हम चलते हैं तो हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए, दिशा और दूरी। वही चीज हम यहां पर भी लेते हैं कि हमको दिशा मालूम होनी चाहिए और दूरी। दिशा का ज्ञान करते हैं धन और ऋण। जब हम रा अक्ष से दाहिनी तरफ चलते हैं तो इन दिशाओं को हम क्या कहते हैं? धनात्मक। धनात्मक। जब इसके उल्टे चलेंगे ऋणात्मक, उसको हम कहेंगे ऋणात्मक दिशा। ठीक इसी तरीके से या अक्ष से ऊपर की ओर चलेंगे तो या अक्ष से ऊपर की ये जो दूरी होती है इनको हम क्या कहेंगे? धनात्मक। इसलिए नीचे की दूरी को ऋणात्मक। नीचे की दूरी को ऋणात्मक हम क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो उसके उल्टी दिशा में। क्योंकि वो उसके उल्टी दिशा में है। देखो ये दोनों दूरियां एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटती हैं। यहाँ पर ये राक्ष और याक्ष दोनों एक दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या कहते हैं मधु? जहां से किसी चीज की शुरुआत होती है उसे मूल बिंदु। हाँ, जैसे गांव में, गांव से शुरुआत की थी इसलिए सारी दूरी हमने गांव से ली थी। तो चूंकि लेखा चित्र में सारी दूरी हम इस बिंदु से लेते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। ये जो राक्ष है, राक्ष से दाहिने तरफ की जब दूरी लेते हैं इसको हम कहते हैं धनात्मक दूरी। ये जो लिखिए 1, 2, 3, 4। और राक्ष से बाएं तरफ की दूरी, क्योंकि उल्टी दिशा में चल रहे हैं इसलिए इस दूरी को हम कहते हैं ऋणात्मक दूरी। या अक्ष से जब ऊपर की तरफ चलते हैं तो इन दूरियों को हम कहते हैं धनात्मक। तो नीचे की दूरी क्या कहेंगे? ऋणात्मक, क्योंकि वो उल्टी दिशा हो गई। रा अक्ष से नापी गई जितनी भी दूरियां होती हैं उनको हम कहते हैं भुज, और या अक्ष से नापी गई जो दूरियां होती हैं कोटि, उनको हम कहते हैं कोटि। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इन दूरियों को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां पर कुछ बिंदु लिए गए हैं का, खा, गा, घा। का बिंदु को देखो, इसकी दूरी इस रा अक्ष से कितनी दूर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए इसका भुज कितना हो गया? 6। और या अक्ष से इसकी दूरी कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसलिए इसका कोण कितना हो गया? 8। इसलिए इसके निर्देशांक लिखे जाएंगे 6, 8। हम भुज हमेशा पहले लिखा जाता है और कोण हमेशा बाद में लिखा जाता है, क्योंकि ये एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। पूरी दुनिया में इसी प्रकार से कार्य होता है। यह एक परंपरा है गणित की। अब इसकी ऋण 5, 4 है। इसका क्या अर्थ हुआ? ऋण 5 का मतलब क्या हो जाएगा कि रा अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? ऋण 5। और या अक्ष से इसकी दूरी कितनी है? 4, 4। गा के है ऋण 5, ऋण 7। इसका मतलब रा अक्ष से इसकी दूरी कितनी, भुज कितना है? ऋण 5। ऋण 5।
और इसकी कोट कितनी है? ऋण सात। इसी तरीके से घाव बिंदु है 6 ऋण 4। इसका क्या अर्थ हुआ मधु? ऋण चार नहीं 6 ऋण 4। इसका तो भुज कितना है? इसका 6 भुज है, हाँ। और ऋण 4 इसकी कोटि है, यानी या अक्ष से दूरी है ऋण 4 और रा अक्ष से दूरी है इसकी 6। जब हम बिंदु का निर्धारण करते हैं, अब यहाँ पर ये एक ये हमारे भुज है। अब अगर हम 4 पर ये एक समांतर रेखा खींचे तो ये जो दूरी होगी ये दूरी रा अक्ष से बराबर 4 होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि रा अक्ष के समांतर जो भी दूरी होगी वो दूरी क्या कहलाएगी? भुज। भुज कहलाएगी। इसी प्रकार से अगर ये मान यह ऋण 1, यह है ऋण 2, यह है ऋण 3, यह है ऋण 4। अगर हम एक या अक्ष के समांतर एक खींचे तो या अक्ष के समांतर जो दूरी होगी यह दूरी क्या हो जाएगी? कोट। यह दूरी हमेशा होगी कोट। कोट या अक्ष के समांतर की दूरी हमेशा कोटि होती है और रा अक्ष के समांतर की दूरी हमेशा भुज भुज होती है। जैसे यहां पर मान लो ये बिंदु है, इस बिंदु की दूरी क्या होगी? इसकी कोटि कितनी, भुज कितनी है? इसकी भुज 2। 2 है ठीक। और कोटि कितनी है? कोटि, कोटि का मतलब या अक्ष से दूरी। तो या अक्ष से कितनी दूर है ये? 2। नहीं, या अक्ष पर है। जब या अक्ष पर है तो इसकी दूरी 0 होगी, इसलिए इसका हो जाएगा 2 0, क्योंकि 2 इसकी दूरी है अक्ष से। लेकिन या अक्ष पर है, जब या अक्ष पर है तो या अक्ष से इसकी दूरी हो गई 0, इसलिए इसकी दूरी होगी 2 0। यानी या अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु होगा तो वो बिंदु की रा अक्ष से दूरी यानी कोटि जो है वो होगी 0 और भुज उसका निकाला जाए। इसी तरीके से अगर हम इस पर कोई बिंदु ले लें, मान लीजिए यह बिंदु ले लें ऋण 3, तो ऋण 3 की दूरी या अक्ष से कितनी है? ऋण 3। लेकिन रा अक्ष से कितनी दूरी है? 0 0, इसलिए इसका बिंदु हो जाएगा 0 ऋण 3। अगर रा अक्ष पर कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु का भुज हो जाएगा 0, क्योंकि वो रा अक्ष पर है और कोटि जो है वो हमको निकालना होगा। या अक्ष पर उसका भुज जो है वो निकालना वो दिया होगा और कोट उसकी हो जाएगी 0। अब इसमें देखो ये 0 0 3 लिखा है, 0 3 का क्या अर्थ हुआ? इसका भुज 0 है, हाँ, यानी ये किस अक्ष पर है? राज पर। ये 4 0 लिखा है, इसका मतलब ये किस अक्ष पर है? या अक्ष पर है, क्योंकि 0 जो है वो या हो गया। या हो गया। अब हम देखेंगे किसी भी बिंदु का निर्धारण हम इस हिसाब से कैसे कर सकते हैं। मान लो किसी बिंदु का भुज 4 है, तो कहां पर हम उसको शुरू करेंगे? 1 2 3 4। ये पूरी की पूरी रेखा जो हम रा अक्ष के समांतर खींचेंगे, ये पूरी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? इसका भुज कितना है? 4। अब मान लीजिए उसका कोटि है 3, ये 3 कोटि है, इस पर हम एक समांतर रेखा खींचेंगे। ये पूरी की पूरी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? कि इसका कोटि 3। इसका कोटि जो है 3, यानी रा बराबर है इसका 3 और इसका या बराबर है 4। ये बिंदु ऐसा है जहां पर जो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते काटते हैं, इसलिए इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4 3। 4 को हमने पहले क्यों लिखा? क्योंकि वो भुज है। क्योंकि भुज है, अभी बताया कि भुज हम पहले लिखते हैं कोटि बाद में लिखते हैं। अब मान लो कोई बिंदु है ऋण 3 4, इसको हमें प्रदर्शित करना है।
तो ऋण तीन के लिए हम कहाँ पर समांतर रेखा खींचेंगे मधुर? ऋण तीन के ऋण तीन पर र अक्ष के समांतर ये रेखा एक खींची जाएगी। ये पूरी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? भुज। भुज। तो यहाँ हो गया या बराबर ऋण तीन। फिर दूसरा बिंदु क्या है? चार। चार के समांतर ये रेखा खींचेंगे। ये पूरी रेखा क्या प्रदर्शित करती है? र बराबर चार। इसलिए ये बिंदु क्या हो जाएगा? ऋण तीन चार। इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे ऋण तीन चार। तो इस प्रकार से किसी भी बिंदु का लेखा चित्र हम प्रदर्शित कर सकते हैं, और कोई बिंदु जो है इन्हीं चार हिस्सों में से एक में आएगा। ये चार हिस्से क्या कहलाते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश क्यों कहते हैं? क्योंकि चतुर्थ माने चार, अंश माने हिस्सा। कागज को हम किससे कितने हिस्से में बांटते हैं? चार हिस्से में बांटते हैं। क्योंकि कागज को चार हिस्से में बांटते, चार भाग में बांटते हैं, इसलिए प्रत्येक भाग को हम क्या कह देते हैं? चतुर्थांश। इसमें हम इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। हम चलते हैं घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, वामावर्त जिसको कहते हैं। वामावर्त चलने में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये चार चतुर्थांश जो है इसके ये हो जाते हैं। अब अगर इन चतुर्थांश की विशेषता देखोगे, तो इसमें भुज का मान कैसा होता है? ये धनात्मक है। जब इधर चलेंगे तो भुज का मान कैसा होगा? धनात्मक। धनात्मक, ठीक। और कोट का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। नहीं, कोट के में हम या से ऊपर चल रहे हैं तो धनात्मक, तो वो भी धनात्मक। यानी प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों हमारे धनात्मक होंगे। अगर हम द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो इसमें भुज का मान क्या होगा? भुज का मतलब राष्ट्र के बाई ओर आ रहे हैं, तो भुज हो जाएगा ऋणात्मक। और कोट कैसी हो जाएगी? या से ऊपर आ रहे हैं तो धनात्मक होगा। इसलिए इसमें जितने भी मान होंगे सब ऋणात्मक धनात्मक होंगे। यहाँ पर अगर आते हैं तो भुज से हम कोट से आ रहे हैं, राज से आ रहे हैं बाई तरफ, इसलिए ये मान सब ऋणात्मक होंगे। और याक से नीचे आ रहे हैं, इसलिए ये मान भी ऋणात्मक होंगे। इसमें इसमें जितने निर्देशांक होंगे वो दोनों ऋण ऋण होंगे। इसमें अगर हम आते हैं तो रा से हम आ रहे हैं दाहिनी तरफ, इसलिए ये हो जाएगा धनात्मक। और या से आ रहे हैं नीचे, इसलिए वो हो जाएगा ऋणात्मक। यानी चतुर्थ चतुर्थांश में जितने भी मान होंगे वो धनात्मक ऋणात्मक। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होंगे, द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक कोट धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होंगे, चतुर्थ में भुज धनात्मक और ऋण और कोट ऋणात्मक। अगर हमको दोनों चीजें ज्ञात हैं, पहली चीज दिशा, दूसरी चीज दूरी, तो हम इस चतुर्थांश में किसी भी बिंदु का निर्धारण लेखा चित्र के द्वारा कर सकते हैं।